आप लोगों का फिर जी के मस्ती एम एस में सभी लोगों का स्वागत है। जर्नल इंग्लिश के सिंटैक्स लेसन के अंतर्गत आप लोग 45 रूल्स पढ़ चुके हो जो लूसेंट बुक की है। नेक्स्ट रूल 46 से बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 46 कह रहा है ए या एन उसके बाद सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ फिर उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ए एन फिर उसके बाद सिंगुलर कलेक्टिव नाउन और फिर उसके बाद ऑफ फिर प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस में हो तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे ए बंच ऑफ की, जब की जा रहा है तो ये है बहुवचन लेकिन प्रयोग होगा सब्जेक्ट जो है ए बंच के अनुसार। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिएगा, ए हर्ड ऑफ ऑक्सन, ऑक्सन तो बहुवचन है लेकिन वर्ब प्रयोग होगी एक वचन कलेक्टिव नाउन सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के अनुसार, है ना। ये कलेक्टिव नाउन वाला वीडियो देखिए तो उसमें आपको सारी कलेक्टिव नाउन्स मिलेंगी। रूल नंबर 47 देख कह रहा है फर्नीचर एडवाइज न्यूज इंफॉर्मेशन लैगेज बैगेज परसेंटेज पोटरी नॉलेज डर्ट डस्ट ट्रैफिक इलेक्ट्रिसिटी म्यूजिक ब्रेकेज स्टेशनरी सीनरी कॉन्फेशनरी पोटरी बेकरी क्रॉकरी बिहेवियर अरमोर आदि का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी होता है। फर्नीचर एडवाइज न्यूज इंफॉर्मेशन लैगेज बैगेज परसेंटेज पोटरी नॉलेज डर्ट डस्ट ट्रैफिक इलेक्ट्रिसिटी म्यूजिक ब्रेकेज स्टेशनरी सीनरी कॉन्फेक्शनरी पॉटरी बेकरी क्रॉकरी बिहेवियर अरमोर आदि का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द न्यूज इज ट्रू, है ना, एक वचन क्रिया का प्रयोग हुआ है। लेकिन ध्यान दें ए फर्नीचर गलत होगा, फर्नीचर्स गलत होगा, ए न्यूज गलत होगा, न्यूज का बहुवचन भी गलत होगा, एन एडवाइज गलत होगा, एडवाइजेज भी गलत होगा, ए लैगेज गलत होगा, मतलब इनके साथ में ए एन या बहुवचन बनाना इन सभी का गलत होगा। सिंगुलर और प्लूरल सेंस में अगर इनका प्रयोग किया जाता है इन नाउनों का जो दिया गया है फर्नीचर एडवाइज न्यूज इंफॉर्मेशन लैगेज बैगेज परसेंटेज पोट्री नॉलेज डर्ट डस्ट, तो इस तरीके से सिंगुलर में अगर यूज करना है तो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे आप कर सकते हो, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुवचन यानी पीस को ही बहुवचन बना दो, है ना। ऐसे भी नहीं कर सकते हो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस, नहीं, इंफॉर्मेशन तो वही रहेगा, बाकी बदलाव होगा तुम्हारे जो यूज होंगे। एन आइटम ऑफ न्यूज कर सकते हो, आइटम्स ऑफ न्यूज उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। इस तरीके से आप बना सकते हो, जैसे ए स्पेक ऑफ डस्ट, डस्ट का एक कड़, और स्पेक्स ऑफ डस्ट धूल के कड़, कई कड़, है ना। डस्ट को बहुवचन एक वचन वो तो एक ही जैसा रहेगा, बाकी इन्हीं में परिवर्तन कीजिएगा जो आप यूज करेंगे। रूल नंबर 48 कह रहा है कुछ ऐसे एस से ख़त्म होने वाले नाउन हो जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बीमारियों का नाम मीजल्स मप्स सिंगल्स, ये बीमारी हैं, एस लास्ट में आ रहा है लेकिन एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा, मीजल्स मप्स सिंगल्स। खेल के नाम जैसे बिलियर्ड्स बॉल्स डार्ट्स ड्रॉट्स डोमिनोज इत्यादि नाम होते हैं जिनके खेलों के नाम में एस आता है। देश के नाम जैसे यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस द एथेंस द फिलीपींस द ईस्ट इंडीज द वेस्ट इंडीज द वेल्स, तो ये देश के नाम हैं लेकिन इनके साथ क्रिया बहुवचन नहीं आएगी, एस भले ही लास्ट में आ रहा हो। पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम में जैसे द अरबियन नाइट्स आर्म्स एंड द मैन द राइवल्स लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर,
सुहराब एंड रुस्तम, द लायंस ऑफ द ईस्ट इत्यादि हैं। पुस्तकों के नाम एस भले ही आए लेकिन बहुवचन नहीं आए। विषयों के नाम जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, जिमनास्टिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, टैक्टिक्स, फोनटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, तो ये विषयों के नाम हैं। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, जिमनास्टिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, टैक्टिक्स, फोनटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये विषयों के नाम हैं। इनके साथ सदैव एक वचन ही क्रिया आती है, भले ही इनके लास्ट में एस लगा हुआ है। और बिना एस एंडिंग देश के नाम के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये भी सही है। इंडिया इज ए बिग कंट्री है ना, एस लगा है तब भी एक वचन और नहीं लगा है तब भी एक वचन। यदि किसी देश के नाम का प्रयोग उस देश के खेल के टीम का बोध कराने के लिए हो तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप। मतलब देश के लिए नहीं हो रहा, उस टीम के लिए हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वर्ल्ड कप हराया, तो ये बहुवचन प्रयोग हो जाएगा खेल का नाम, देश का नाम है ना, इतना ध्यान रखना। विषयों के नाम के पहले दी या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इसमें प्लुरल वर्ब माना जाता है। वही जो वर्ब, वही जो सब्जेक्ट हमने बताया कि ये बहुवचन यूज नहीं होती है, उनके पहले अगर एडजेक्टिव और दी का प्रयोग हो, किसी पोसेसिव एडजेक्टिव का और दी का प्रयोग हो, तो फिर वो प्लुरल वर्ब उनके साथ प्रयोग हो जाता है। जैसे हिज मैथमेटिक्स, तो यहाँ पूरे मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति की, हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, उसकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है ना। तो हिज का मतलब गणितीय हिसाब, दी हिज फिजिक्स भौतिकी हिसाब, हिज इकोनॉमिक्स आर्थिक हिसाब। रूल नंबर 49 कहता है वेज्स का प्रयोग, WAGES, वेज्स का प्रयोग बाइबल में पनिशमेंट के अर्थ में किया गया है, इस अर्थ में इसे सिंगुलर माना गया है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग हुआ है। वेज्स, WAGES, इसे बाइबल में पनिशमेंट के अर्थ में प्रयोग किया गया है, इस अर्थ में इसे सिंगुलर माना गया है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, जैसे द वेज्स ऑफ सिन इज डेथ, पाप का दंड मृत्यु होता है। लेकिन आजकल भाषा में वेज्स का प्रयोग चार्ज फॉर लेबर के अर्थ में होता है, यानी पारिश्रमिक के अर्थ में होता है, तो इसे प्लुरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे हिज वेज्स आर वेरी लो। रूल नंबर 50 कहता है कि ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी, आइडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड, पब्लिक, क्रू इत्यादि से समूह का बोध हो तो इसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी, आइडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड, पब्लिक, क्रू इत्यादि से समूह का बोध हो तो इसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन जैसे एग्जांपल एक देख लीजिएगा, द ज्यूरी वॉज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन, मतलब अगर एक मत है तो फिर इसके साथ प्रोनाउन एक आएगा, मतलब एक वचन वाला आएगा, इट या इट्स इटसेल्फ, और एक वचन क्रिया भी आएगी। लेकिन लिखा है द बॉडी ऑफ पर्संस हु स्वेयर टू गिव ए ट्रू डिसीजन, ये भी सही है, मतलब एक ही पूरा ज्यूरी, पूरा जो निर्णय करने वाले सभी ने एक निर्णय दिया, लेकिन जब ऊपर दिए गए नाउंस से अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो तो इसके साथ में प्लुरल इस्तेमाल किया जाता है, प्लुरल वर्ब आता है। जैसे एग्जाम्पल, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ज्यूरी के जो प्रत्येक सदस्य हैं वो सब अपने अपने, उनके ओपिनियन हैं, अपने अपने विचार हैं, तो फिर इसके साथ में वाज नहीं वर ही सही रहेगा। रूल नंबर 51 कहता है मीन्स का अर्थ मेथड होता है या प्रोसेस होता है, तरीका या साधन। इस अर्थ में मीन्स का प्रयोग सिंगुलर या प्लुरल दोनों में होता है तथा इसके साथ क्रमशः सिंगुलर या प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। मीन्स का अर्थ अगर मेथड और प्रोसेस में है, तरीका या साधन में है, तो इसके साथ सिंगुलर या प्लुरल दोनों में होता है तथा इसके साथ क्रमशः सिंगुलर या प्लुरल का प्रयोग होता है। दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट फिट फॉर मी, है ना, यात्रा के ये मीन्स जो हैं फिट नहीं है मेरे लिए।
लेकिन मींस का अर्थ आय का साधन या स्रोत या धन संपत्त भी होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग प्लुरल में होता है। मींस का अर्थ यदि तरीका या साधन में हो तो एक वचन, लेकिन अगर आय स्रोत अर्थ में धन संपत्ति के अर्थ में हो तो इसका प्रयोग बहुवचन में होता है। इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि सिंगुलर वर्ब का। जैसे हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल, उसकी आमदनी बहुत कम है, तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 52 कहता है, नीचे दिए गए टेबल के अध्ययन सावधानी से करें। जैसे हेयर साधारण अर्थ में बाल या केस होता है और इसे अनकाउंटेबल सिंगुलर माना जाता है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ग्लास शीशा सिंगुलर, अनकाउंटेबल सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आएगी। ब्यूटी खूबसूरती सिंगुलर, अनकाउंटेबल सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब भी आएगी। क्लॉथ कपड़ा अनकाउंटेबल सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब भी आए। फोर्स शक्ति या ताकत अनकाउंटेबल सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। मैरिज शादी विवाह अनकाउंटेबल सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी इन सभी के साथ में। लेकिन हेयर का प्रयोग विशेष अर्थ में काउंटेबल नाउन के रूप में होता है। इसके पहले जरूरत के मुताबिक A123 का प्रयोग होता है। काउंटेबल नाउन के रूप में इसके साथ एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, अतः इसके साथ प्लुरल वर्ब आएगा। जैसे फोर हेयर्स ऑन हर हेड आर ग्रे, चार बाल उसके सर पर सफ़ेद भी हैं, तब तो ये बहुवचन हो जाएगा। अगर एक वचन में आएगा अनकाउंटेबल के रूप में तो फिर एक वचन ही क्रिया लगेगी। लेकिन ग्लास का प्रयोग ग्लास के अर्थ में काउंटेबल नाउन के रूप में होता है। इसके पहले ए का प्रयोग होता है तथा इसमें ई एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। अर्थानुसार सिंगुलर या प्लुरल दोनों में इसका प्रयोग हो जाता है। जैसे ए ग्लास इज ऑन दी टेबल, सही है। टू ग्लासेस आर ऑन दी टेबल, ये भी सही है। मतलब तो बहुवचन हो गया तो बहुवचन क्रिया, एक वचन हो गया तो एक वचन क्रिया। ग्लासेस का विशेष अर्थ चश्मा होता है। इस अर्थ में इसे हमेशा प्लुरल माना जाता है क्योंकि इसका दो भाग होता है और इसके साथ प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब हिज ग्लासेस, टू ग्लासेस तो शीशा माने जाएगा, हिज ग्लासेस का मतलब चश्मा है, तो इसके साथ में सदैव बहुवचन ही क्रिया लगती है क्योंकि इसे बहुवचन ही माना जाता है। लेकिन ब्यूटी का विशेष अर्थ खूबसूरत, सुंदर, अच्छा व्यक्ति, स्त्री, वस्त्र, नमूना, गुण, लक्षण होता है। इस अर्थ में इसे काउंटेबल माना जाता है तथा आई ई एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। इसके साथ अर्थानुसार सिंगुलर प्लुरल अर्थ वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। ए ब्यूटी वाज वेटिंग फॉर यू, यानी एक सुंदर स्त्री तुम्हारा इंतजार कर रही है। और टू ब्यूटीज वर वेटिंग फॉर यू, दो सुंदर स्त्री हो गई ना, एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। ऐसे ही क्लॉथ्स होता है, लेकिन क्लॉथ्स का प्रयोग वस्त्र के अर्थ में प्लुरल नाउन के रूप में होता है, अतः इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे हिज क्लॉथ्स आर ओल्ड, लेकिन फोर्सेस का प्रयोग तीनों सेनाओं के लिए होता है या प्लुरल काउंटेबल होता है, इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। मैरिज, लेकिन मैरिज का प्रयोग विवाह उत्सव के अर्थ में काउंटेबल नाउन के रूप में होता है। मतलब जब काउंटेबल नाउन होगा तब ये मैरिज का अर्थ हो जाएगा विवाह उत्सव, इसमें एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है तथा इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये तो रूल नंबर 52 के सारे रूल्स थे। रूल नंबर 53 कह रहा है, एज सो नाइदर नॉर के बाद वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रमुख सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक होता है। एज सो नाइदर नॉर के बाद वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक होता है। इसके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक होता है। जैसे श्वेता इज ए सिंगर, एज इज हर सिस्टर, है ना। सो एज नाइदर नॉर के बाद प्रयोग के बाद वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक आता है। जो हर सिस्टर है उसके अनुसार आया है इज, ना कि श्वेता के अनुसार आया है इज। जैसे अगला एग्जांपल है, ही वांट्स टू हेल्प यू सो डू आई, है तो आई जो है ये बहुत सिंगुलर है लेकिन प्लुरल आया है यू के अनुसार, है ना। आई डू नॉट लाइक हर नाइदर डज ही, अब डज आया है किसके अनुसार, ही के अनुसार। बाद में जो प्रयुक्त सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार आता है वर्ब।
रूल नंबर 54 कहता है, 54 कहता है, नाउन प्लस ऑफ फिर नाउन का प्रयोग, नाउन के बाद ऑफ आए फिर उसके बाद नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो ऑफ के पहले जो प्रयुक्त नाउन के नंबर था पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होगा। नाउन फिर उसके बाद ऑफ फिर उसके बाद नाउन आए सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, तो फिर ऑफ के पहले जो प्रयुक्त नाउन है उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब आएगी। जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग, तो स्टूडेंट्स बहुवचन है इसीलिए बहुवचन क्रिया आई। और रूल नंबर 55 आज का अंतिम रूल इस वीडियो का, ए 1, 2, 3, 4 के बाद में अगर डोजन, हंड्रेड, थाउजेंड इत्यादि आए और फिर उसके बाद बहुवचन नाउन का प्रयोग हो तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ए आए, वन आए, टू आए, इनमें से कोई एक, 1, 2, 3, 4 या ए आए, फिर उसके बाद डोजन या हंड्रेड या थाउजेंड इत्यादि आए और फिर उसके बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग हो तो वर्ब भी प्लुरल लगती है। जैसे टू डोजन, टू आया फिर डोजन आया और फिर कोई नाउन आएगी, बहुवचन पेंसिल्स, तो फिर बहुवचन ही क्रिया लगेगी। मतलब 1, 2, 3 या ए के बाद में डोजन, हंड्रेड, थाउजेंड में से कोई एक, 1, 2, 3, 4 ए में से कोई और फिर उनके बाद नाउन भी बहुवचन आए तो फिर क्रिया बहुवचन ही होगी, है ना। ऊपर दिए गए एक्सप्रेशंस फ्रेजेज गलत हैं क्योंकि डोजन, हस्बैंड, थाउजेंड इत्यादि का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसमें एस समानता जोड़कर प्लुरल नहीं बनाया जाता, इसमें एस नहीं, डोजेंस वगैरह हम एस जोड़ के बहुवचन नहीं बना सकते, ये बताया गया है। डोजेन, हंड्रेड, थाउजेंड इत्यादि यूनिट्स का प्रयोग प्लुरल फॉर्म में किया जाता है लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ट, ऐसे अर्थ बदल जाएगा, अगर बहुवचन में करोगे तब ऐसे होगा। डोजेंस ऑफ बनानाज हैव बीन बॉर्न, तो ये रूल नंबर 55 हुए, इनको बार बार देखें और ज्ञानार्जन करें। Thanks for watching.